लंदन के ट्रफल नगर स्क्वायर पर हिंदुस्तानियों के इस जश्न का मतलब सिर्फ आजादी का जश्न मनाना भर नहीं, देशभक्ति के तराने गाते हुए हिंदुस्तानियों की ये रैली भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाने वालों की सोच पर तमाचा है। ये रैली आईएसआई के इशारे पर रेफरेंडम 2020 की मांग करने वालों को देशभक्ति का पूर्ण जवाब है। दिलचस्प संयोग ये है कि जिस ट्राफलगर स्क्वायर पर भारत समर्थक हिंदुस्तानियों ने दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रैली की, उसी ट्राफलगर स्क्वायर पर शाम 7 बजे खालिस्तान समर्थक सिखों ने भी रैली की। लेकिन सवाल दो विचारधाराओं की दो रैलियों का नहीं है, सवाल है सिख फॉर जस्टिस संगठन, जिस खालिस्तान के लिए रेफरेंडम 2020 की मांग कर रहा है, अगर वो संभव ही नहीं तो फिर उसका मतलब है क्या? और जैसा जाहिर है कि ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, तो फिर अगला सवाल है कि क्या भारत में अशांति की नई चाल पाकिस्तान ने तैयार कर ली है? ये एक साजिश है आईएसआई की और पाकिस्तान की कि किसी तरह पंजाब में ट्रबल क्रिएट किया जाए और एक बहुत छोटा तबका सिखों का जो बाहर सेटल्ड है वो इसमें हिस्सा ले रहा है। आम सिख जो है, जो बाहर हमारे भाई बसे हुए हैं या जो हिंदुस्तान में हैं, वो इससे बहुत दूर हैं। पाकिस्तान हमेशा भारत को तोड़ना चाहता है। पंजाब के अंदर भी लगभग 10-12-15 साल उसने आतंकवाद को हवा दे के रखी, हालांकि पंजाबियों ने मिलके, हिंदू सिखों ने मिलके उनके दांत खट्टे कर दिए, भगा दिया। अब उनको लगा कि कोई नए रूप में आना चाहिए, तो इसी सिख फॉर जस्टिस नाम में एक संस्था आ गई। गौरतलब है कि आईएसआई के इशारे पर हिंदुस्तान के खिलाफ सिखों के बीच ब्रिटेन से यूरोप तक जहर के बीज बोए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस साजिश को पाकिस्तान ने नाम दिया है ऑपरेशन एक्सप्रेस और वक्त तय किया है 6 जून 2020 का, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं वर्षी। और सिख संगठनों के मुखौटों के तले आईएसआई की कोशिश है कि खालिस्तान को लेकर 2020 में दुनिया भर के सिखों का एक रेफरेंडम हो, जिससे हिंदुस्तान में अलग सिख राष्ट्र के मुद्दे को सुलगाया जा सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं, उसके मुताबिक खालिस्तान की मांग करने वाले रेफरेंडम 2020 के पीछे जो शख्स काम कर रहा है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद मलही उर्फ चौधरी साहब, सर्विस नंबर PA35043, जो 13 अक्टूबर 1995 को बलोच रेजिमेंट की 25वीं बटालियन में कमीशन हुआ था और 10 अगस्त 2012 को उसे लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। 2015 में मलई आईएसआई की लाहौर टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, यहां वो पंजाब से जुड़े मामलों को देखता था। और सिखों की आड़ में मलही विदेशी धरती पर खालिस्तान की मांग को उठाकर पंजाब को एक बार फिर से लहूलुहान करना चाहता है। मलही के साजिश में मुखौटा बना है अमेरिकी सिखों का एक संगठन, नाम है सिख फॉर जस्टिस। हालांकि सिख फॉर जस्टिस संगठन 2007 से ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे भारत में अशांति फैलाई जा सके, लेकिन कुछ हुआ नहीं और अब नया शगुफा है रेफरेंडम 2020 का। 2007 से लेकर 2018 तक 11 साल में जो जो इन्होंने मुद्दे लिए, उन मुद्दों का पीछे कोई सिखों को न्याय देना भाव नहीं था, उन मुद्दों के पीछे एक ही भाव था कि भारत में अशांति फैलाना। सिख फॉर जस्टिस का ना पंजाब में ना विदेशों में कोई आधार है, ना तो पंजाब में सिख समाज इनके साथ है ना विदेशों में सिख समाज इनके साथ। हालांकि पंजाब में खालिस्तानी समर्थक बेहद कम है, लेकिन चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि अकेले कनाडा में 12 लाख भारतीय हैं, जिनमें 5 लाख सिख हैं, और यूरोप भर के देशों में 2.5 से 3 लाख सिख रहते हैं, जिनके बीच कई सालों से रेफरेंडम 2020 की आग सुलगाई जा रही है।